अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि परसों वाले दिन हमारे घर कुछ मेहमान आए थे, कुछ खास मेहमान थे हमारे, तो वो हमारे लिए जो है गिफ्ट्स भी लाए हैं। वो बेबी से मिलने आए थे और बेबी के गिफ्ट्स लाए हैं। तो उन्होंने वैसे ये भी कहा था मुझे कि आप जब गिफ्ट खोलें तो बेबी के हाथ लगवाते रहना हर गिफ्ट, ताकि हमें लगे कि ये गिफ्ट बेबी ने खोला। लेकिन बेबी जो है हमारा इस वक्त सो रहा है और वो छोटा भी बहुत है, उसे मैं कैसे बिठा के हाथ लगाऊँ, तो थोड़ा मुश्किल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी बेबी के लिए होगा वो कपड़े होंगे या कुछ भी होगा, तो वो बेबी को पहना के उसे जो है तस्वीर में अपने मेहमानों को ज़रूर सेंड करूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो फिलहाल जो है गिफ्ट्स खोलते हैं, देखते हैं कि गिफ्ट्स के अंदर जो है हमारे मेहमान क्या क्या लाए हैं हमारे बेबी के लिए। ये बॉक्स तो वैसे माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं, और 6 बॉक्स में अब क्या क्या है ये तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो एक एक करके खोलते हैं। वैसे उन्होंने हमें थोड़ा बहुत गैस दिया था, तो वो मैं आपको भी बता रही थी। उन्होंने कहा था कि जो है हमारे एक बेबी के लिए नहीं बल्कि दोनों बेबी के लिए हैं, और जो है काफ़ी सही चीज़ हैं। तो खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है हमारे बच्चों के लिए। तो पहले इस बॉक्स से शुरू होते हैं। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। वैसे इसमें से ना ऐसे ऐसे तो थोड़ी आवाज आ रही है जैसे कोई घुंघरू टाइप। चूड़ियां तो नहीं है? नहीं, चूड़ियाँ तो इसकी तरह आवाज़ नहीं है, लेकिन है कोई बजने की आवाज़। तो कुछ भी हो सकता है, शायद बच्चे के खिलौने भी हो सकते हैं, चूड़ियाँ भी हो सकती हैं। तो खोल गया वैसे बॉक्स, तो देखते हैं क्या है। पहले आप लोगों को दिखा देते हैं, ऐसे जो भी गिफ्ट होगा पहले आपको दिखाऊंगी, बाद में मैं देखूंगी। तो आपको दिखाते हैं, ये देखें। तो देख लें, मेरा गैस जो सही था, मैंने कहा बजने की आवाज़ है लेकिन चूड़ियाँ नहीं लग रही मुझे। तो ये जो है ये बेबी टॉय है बच्चों के खेलने के लिए, देखें। और वो इसी की आवाज़ थी ऐसे ऐसे ना, मैंने कहा मुझे कुछ आ रही है आवाज़। तो ये हो गए बेबी के खिलौने, और अब जो है दूसरा बॉक्स खोलते हैं। इसमें कोई आवाज़ नहीं है, मैंने कहा पहले चेक कर लेना इसमें भी कोई आवाज़ है। तो इसके अंदर तो खोल के ही पता चलेगा, इसके अंदर गैस हम पहन से नहीं कर सकते। और इस बॉक्स में भी देखें आप लोग क्या है। ओके, तो ये साइड रखते हैं, ये हैं बेबी शूज। कितने प्यारे शूज है ना ये, वैसे सर्दियों के मुताबिक हैं। सर्दियों में आएंगे और लेकिन ये फिलहाल आ भी नहीं रहे। नहीं फिलहाल तो वैसे भी वो छोटा है ना, तो सर्दियों में तो इतने टाइम है तब तक आ जाएंगे। तो देखें क्यूट कितने हैं। इसके ऊपर ये जो है ये पत्ती बनी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जिसके खरगोश बनाओ। तो बहुत ही प्यारे शूज़ हैं बेबी के, गरम गरम। जब सर्दियों में बेबी बड़ा हो जाएगा फिर उसे पहनाएंगे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट गिफ्ट पे। और ये वाला पैकेज भी खुल गया, और इसके अंदर हैं ड्रेस। ये तो खोल के देखते हैं। तो ये हो गए ड्रेस, बेबी ड्रेस। ये हैं बेबी ड्रेस, लेकिन लग हानिया का साइज रहा है। चले, वो तो देने वाले की जो है मोहब्बत होती है कि वो मोहब्बत से इतनी लाए हैं हमारे लिए। तो कोई बात नहीं, बेबी छोटा है लेकिन बड़ा होगा तो बड़ा होके पहनेगा। ये देखें ये वाला एक ड्रेस, और अब खोलते हैं दूसरा। और दूसरा सूट है ये वाला येलो। तो ये हो गए बेबी ड्रेस, माशाल्लाह से दोनों ही ड्रेस बहुत प्यारे हैं। आपको कैसे लगे हैं? मुझे भी बहुत प्यारे लग रही है माशाल्लाह। और इस पे कान भी बने हुए देखे, टोपी के ऊपर दो कान। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। अब नेक्स्ट खोलते हैं। ड्रेस खुल गया है, और मैंने आपको कहा था कि शायद ये जो है हमारे छोटे मोहम्मद सुहान का भी हो सकता है, लेकिन ये उनका नहीं है, क्योंकि ये देखें ये जो है गर्ल वाला सूट है, ये हानिया का है। तो माशाल्लाह से देखें आप ना प्यारा है ये इसकी शलवार ट्राउज़र। तो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा है, पिंक और ब्लू का शेयर। हानी को दिखाएंगे तो आगे तो वही बताएगी उससे पसंद आया या नहीं। हमें तो बहुत ही पसंद आया। और मोहम्मद सुहान के जो कपड़े हैं वो भी, मोहम्मद सुहान छोटा है नहीं तो वो खुद बताता कि उसे कैसे लगे, लेकिन हानिया ये हानिया खुद बता सकती है। अब बारी है सेकेंड लास्ट गिफ्ट की, इसके बाद जो है एक लास्ट बचा है। तो इसके अंदर जो है मुझे बॉक्स बॉक्स फील हो रहा है, कोई डिब्बा है तो वो जैसे खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। तो खोल लिया है मैंने, और इसके अंदर ये देखिए बेबी किट, माशाल्लाह देखें बहुत ही प्यारी है, और इसके अंदर भी हर चीज़ है। तो अभी मैं ये खोल नहीं रही, तो आपको ऐसे दिखा देती हूँ करीब करके।
ये देखें, ये इसमें बेबी फीटर है, बेबी सॉप है और बेबी साबुन शैम्पू हर चीज़ है। यानी ये वाली नई नई चीज़ लग रही है मुझे, ये खोलेंगे तो इसमें पता चल जाएगा। यानी बेबी की हर चीज़ है जो उसके लिए होते हैं, साबुन लोशन तो हर चीज़ है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है। तो अब बारी है हमारी लास्ट गिफ्ट की, बस इसे खोलते हैं। आप भी कह रहे होंगे कि हमारा दिमाग पका रही है, गिफ्ट उठा के बैठ गई हमारे आगे, तो इसे खोलते हैं और आपकी भी जान छोड़ देते हैं हम। तो लास्ट गिफ्ट हमारा ओपन हो गया है और इसमें जो है एक बड़ा ड्रेस है, तो खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का ड्रेस है और किसके लिए है। लग तो तुम्हारा ही रहा है। लग तो रहा है लेकिन खोल के देखने में क्या जरूरत है, फिर भी मैं भी देखती हूँ खोल के, और इन्हें मैं अपने जो व्यूवर्स हैं हमारी न्यू फैमिली है इन्हें भी दिखाती हूँ। देखें ये ड्रेस मेरे हस्बैंड जी ने सही कहा कि लग तो तुम्हारा ही रहा है। तो यह ड्रेस माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, इसकी डिजाइनिंग रेडीमेड है, सिला सिलाया। ये हमारे मेहमानों ने बहुत बेस्ट काम किया, सिला सिलाया, मेरे हस्बैंड भी खुश हो गए। और इसके साथ है ये इसका दुपट्टा और ये है इसका ट्राउजर। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सूट है और सारे के सारे गिफ्ट बहुत प्यारे थे हमारे जो मेहमानों ने बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए किया है। बच्चों के गिफ्ट तो अच्छी बात थी, उन्होंने दिए अपनी खुशी से दिए, लेकिन बच्चों के साथ साथ बच्चों की माँ का भी साथ में, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने भी बताने आप लोगों को कैसे गिफ्ट लगे हैं, और मेरे हस्बैंड लग रहे हैं मुझे थोड़े थोड़े से जिलेस हो रहे हैं क्योंकि सबके गिफ्ट निकले, उन्हीं के लिए कुछ नहीं निकला। कोई बात नहीं, इन्हें होने दें, इनको मैं अपनी तरफ से दूंगी, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो इन्हें मेरी तरफ से पार्टी दूंगी। ठीक है। तो गिफ्ट्स मेरे आप लोगों को कैसे लगे हैं आप लोगों ने मुझे बताना है। तो अभी मैं इन्हें पैक करती हूँ, जो मेरे छोटे मोहम्मद सुहान के भी उठने का टाइम हो रहा है, उसे भी उठाते हैं थोड़ी सी देर, काफ़ी देर होगी मैं आप लोगों से ही बातचीत कर रही हूँ, तो इन्हें उठा के रखती हूँ और बाकी जो बातें हैं वो करते रहेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को एक और बात बतानी है, वो ये है कि हमने हानिया को आज जो है न्यू लुक दी है थोड़ी। फिलहाल हानिया नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती हानिया और आपको खुद ही पता चल जाता कि न्यू लुक उसे कैसे मिली है। तो कोई बात नहीं, हानिया जो है हमें फिरोज के ब्लॉग में आएगी, तो आप उसी के ब्लॉग में देख लेना कि वो कैसे नई तरह से बन गई और बहुत ही क्यूट लग रही है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग था वो बस यहीं तक था, मैं तो आप लोगों से गिफ्ट शेयर करने, बाकी हानिया शेयर मेरे हस्बैंड करेंगे। तो आप लोगों ने जो हस्बैंड का ब्लॉग देखें और हानिया बताना कि आप लोगों को क्यूट लग रही है, लग रही है, वो छोटा बेबी भी दिखाएंगे तो बेबी भी देख लेना आप। तो आज का ब्लॉग मेरा बस यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो कल मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।